नमस्कार साथियों, मैं मेटामॉर्फोसिस में नागिन फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सक्सेस स्टोरी लेके आया हूं, जिसमें हमारे जो कैंडिडेट हैं वो प्राइवेट, उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन किया और वो टॉपर बने, एलटी और लेक्चर्स में टॉपर की लिस्ट में शुमार हुए। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ आज विकास पवार की, जिन्होंने मेरे वहाँ से पढ़ के एलटी में ओबीसी में फर्स्ट रैंक ली थी, सबसे पहला नंबर, और जनरल में 8वीं रैंक ली थी एलटी में, और लेक्चरर में इस बार वो 19वां स्थान लेके जो है टॉप लिस्ट में आए हुए हैं। तो इससे पहले कि मैं उनकी स्टोरी शेयर करूँ, पहले मैं बता दूँ कि ऑफलाइन ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो गए हैं एलटी के और लेक्चरर के। दो इस समय एलटी के बैच चल रहे हैं, एक लेक्चरर का, जिन्हें ज्वाइन करना हो जल्दी करें, और क्योंकि टाइम का फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अभी भी कोई ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, जो दो चार लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स हैं वो आपको मिल जाएंगी, और आप जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कीजिए और जो भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझसे पूछिए, और हो सकता है कि आगे आने वाले टॉपर्स की लिस्ट में आप ही शुमार हों। तो विकास पवार जी, जिनके बारे में आज बताना चाह रहा हूँ, इस बार हमारी वीडियोस थोड़ा लेट आ रही हैं कई वीडियो, क्योंकि कई लोग बाहर कई कामों में व्यस्त हैं, और मैं कोई प्रेशराइज़ कभी करता नहीं, लेकिन हाँ इतना वादा करता हूँ, मेटामॉर्फोसिस की ओर से जो भी सक्सेस स्टोरी आएगी, जो हमारे वहाँ जो बच्चे बोलते हैं वो एकदम डीप में उन्होंने जो महसूस किया वो बोलते हैं, और उसमें से सीखने को बहुत मिलेगा। तो इस स्टोरी को आप स्किप मत किया कीजिए, आप उसे पूरा सुनिएगा, आपको कितनी चीज़ें हर स्टोरी में सीखने को मिलेगी, जो आपको रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स में, जो प्रिपरेशन करने में आती है उसे हटाने में मदद करेगी। तो विकास पवार भी मेरे पास एलटी में सबसे पहले आए थे, उन्होंने एलटी शुरू की प्रिपरेशन, फिर एलटी का किसी वजह से एग्ज़ाम पीछे चला गया था, उन्होंने लेक्चरर भी ज्वाइन किया, और इस तरीके से विकास पवार ने ना सिर्फ दोनों में सफलता हासिल की बल्कि एक बहुत अच्छी रैंक के साथ सफलता हासिल की, ओबीसी में नंबर 1 यानी टॉप रैंक, और जनरल में नंबर 8 एलटी में, और 19वां नंबर इन्होंने लेक्चरर में लिया है। तो विकास बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और विकास जब एग्ज़ाम दे के आए थे तो उन्होंने तुरंत मुझे फ़ोन किया था, और उनको कुछ डर था, उन्हें लगा था कि उनसे कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, लेकिन मैंने विकास को वहीं पर प्रॉमिस कर दिया था कि तुम्हारा सिलेक्शन श्योर है एंड यू नीड नॉट टू वरी, और वही हुआ। तो आज बड़ी खुशी होती है विकास के लिए, और विकास बड़े दिल से आपको अपनी स्टोरी बताएंगे, तो ज़रूर सुनिएगा, और जल्दी से जल्दी इसको सुनने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ एलटी और लेक्चरशिप के लिए मेटामॉर्फोसिस आपके किसी मदद और काम आ सकता है, किसी तरह मदद कर सकता है, तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैंने यहीं पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, और इस तरीके से कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं सफलता की कहानी, विकास की जुबानी। हेलो, आप सभी को सादर नमस्कार। आई एम विकास कुमार फ्रॉम उत्तरकाशी। रिसेंटली आई बीन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इंग्लिश थ्रू UKPSC एंड ऑल्सो बीन सिलेक्टेड इन एल्ट एग्ज़ाम। मेरे सफ़र में बहुत सारे लोगों का सहयोग साथ रहा है और बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स रही है, जिनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत आभारी रहूँगा आजीवन। और स्पेशली श्री नागेंद्र गंगवाले सर मेटामॉर्फोसिस का। इफ़ आई टॉक अबाउट माई जर्नी रियल जर्नी स्टार्ट्स विद लॉकडाउन, क्योंकि उससे पहले आई डिडंट हैव एनी स्पेसिफिक नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंग्लिश लिटरेचर। और आई डिसाइडेड टू वर्क ऑन इट। सो ड्यूरिंग लॉकडाउन मैंने इंग्लिश लिटरेचर पर काम किया है और बहुत सारे राइटर्स को डीप स्टडी की है, उनके वर्क्स, उनके नॉवेल्स वगैरह को पढ़ा, पोइट्री, और विभिन्न ट्यूटर्स यूट्यूब और गूगल विकिपीडिया के माध्यम से बहुत सारे राइटर्स को इन्फॉर्मेशन उनके बारे में, उनके बायोग्राफी और उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स के बारे में पढ़ा। सो आफ्टर लॉकडाउन समय टेलीग्राम पे कुछ लोगों से, कुछ साथियों से जो एलटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, उनके साथ जुड़ना का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और स्पेशली कैलाश दियोली सर और गार्गी जी, जिनका सिलेक्शन एग्जाम एलटी में हुआ है, काफ़ी बहुत नॉलेजेबल और अच्छे अच्छी तैयारी वाले थे, तो उनसे मेरा परिचय हुआ और साथ साथ में ग्रुप में बहुत इंटरेक्शन हुआ, तो एक जर्नी स्टार्ट हुई जो एलटी लेक्चर प्रिपरेशन की। तो जैसे ही नोटिफिकेशंस आए, तो मैं उस समय किसी और एग्ज़ाम में बिजी था, तो
जनवरी, मिड जनवरी तक मैं उस एग्ज़ाम से फ्री हो पाया। उसके बाद मेरे सामने तीन इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम थे, लेक्चरर स्क्रीनिंग, लेक्चरर मेंस और एक प्रकार से एलटी। तो मैंने कुछ स्ट्रेटेजी बनाई, क्योंकि मुझे एनी हाउ मुझे ये तीनों एग्ज़ाम क्लियर करने थे, तो और टाइम विद इन अ ईयर मुझे तीनों एग्ज़ाम देने थे। तो मैंने स्ट्रेटेजी कुछ बनाई और एक समय पर किसी एक एग्ज़ाम को लेकर मैं चलने की सोची। पहले मैंने सारे लगभग सारे सिलेबस जितने भी है सारे प्रिंट आउट करवाए, क्योंकि सिलेबस का जानना बहुत ज़रूरी है। बिना सिलेबस के हम अंधेरे में तैयारी नहीं कर सकते हैं, और इस कंपटीशन के इस लेवल में जहाँ पे इस दौर में बहुत कंपटीशन है, तो आपको एक सिलेबस ओरिएंटेड स्टडी करनी ही पड़ती है स्ट्रेटेजी बना के। तो मैंने प्रीवियस एग्ज़ाम के सारे एग्ज़ाम मैंने पेपर में डाउनलोड किए, प्रिंट आउट किए, और एक अंडरस्टैंडिंग बनाई कि किस तरीके से अपनी तैयारी करो, शेड्यूल बनाया। और स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा रहा मेरा, क्योंकि आई एम मैथ बैकग्राउंड स्टूडेंट, तो मैथ्स और जीएस भी अच्छा था मेरा। पहले से ग्रुप सी की तैयारी की थी, जीएस भी अच्छा रहा, तो स्क्रीनिंग में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। और स्क्रीनिंग के बाद एलटी एग्ज़ाम के लिए तैयारी की थी, लेकिन कुछ समय बाद ही एलटी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था लकीली। तो इसके बाद की बात मैंने एलटी और लेक्चरर दोनों के लिए फिर कंबाइंड प्रिपरेशन तैयारी शुरू की, और दोनों के कॉमन राइटर्स जो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट थे। एलटी के लिए स्पेशली मैंने बहुत सारे जितने भी यूनिवर्सिटी थी अपने उत्तराखंड की, सभी के ग्रेजुएशन के सिलेबस डाउनलोड करके उनसे इम्पोर्टेंट राइटर्स, उनके वर्क्स को देखा। और इसी के साथ साथ में एनसीईआरटी से भी, क्योंकि सिलेबस में मेंशन था एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी से भी थोड़ा बहुत 11th 12th एनसीईआरटी को भी थोड़ा सा हल्का फुल्का उनके राइटर्स पे स्टोरी को थोड़ा सा देखा। और इसके साथ ही लेक्चरर के राइटर्स भी मैं उस समय थोड़ा बहुत पढ़ता रहा उनके बारे में। तो इसके साथ साथ एलटी एग्ज़ाम के दौरान मुझे कुछ इश्यूज थे कुछ सब्जेक्ट में, कुछ ग्रामर में, तो मैं स्किप करने की सोच रहा था। लेकिन तभी मैं बिकॉज आई वॉज लुकिंग फॉर अ ट्यूटर और अ मेंटर, तो मुझे नागेंद्र दास मेटामॉर्फोसिस चैनल पे मुझे सर से, श्री नागेंद्र सर से इंटरेक्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनकी उनकी वीडियोस और उनकी गाइडेंस और उनकी ट्रिक्स और टिप्स वगैरह से मैं एलटी एग्ज़ाम में काफ़ी मेहनत, काफ़ी फ़ायदा हुआ उनका, एडवांटेज मिला उससे। और ड्यूरिंग एग्ज़ाम टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे मेंटेन रखना है, खुद को फिट रखना है, और ये सब चीज़ें सर ने बताई थी। तो एलटी एग्ज़ाम बहुत अच्छा कर बहुत अच्छा हुआ था, आई वॉज प्रीटी श्योर अबाउट माई सक्सेस। और इसके बाद फिर जब एलटी एग्ज़ाम था, सर से कॉन्टेक्ट किया, सर ने बोला बहुत अच्छा एग्ज़ाम हो रखा है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद मैंने, क्योंकि टाइम बहुत कम था, 2 महीने, विद इन 2 3 मंथ्स लेक्चरर का मेन्स एग्ज़ाम होना था, तो मैंने सर से कांटेक्ट किया, सर का बैच ज्वाइन किया, परचेज किया कोर्स सर का, और उसके बाद मेरी रियल जर्नी शुरू हुई एक प्रकार से। और क्योंकि लिटरेचर में आज तक मैंने ग्रेजुएशन और BA MA मैंने प्राइवेट कैंडिडेट की तरह पास किए हैं, तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं था इन लिटरेचर फील्ड का। तो सर से, जब सर से जुड़े तो काफ़ी चीज़ें जानने को मिली, और इस सागर में जो है कितना आनंद है ये सब पता चला। तो इसके बाद फिर हमारी टेलीग्राम ग्रुप, सॉरी सर का जो ग्रुप थे, स्टडी ग्रुप था, और उसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे थे उनसे उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, क्योंकि बहुत सारे नॉलेजेबल लोग थे हमारे साथ में, और जिनसे वास्तव में बहुत कुछ सीखने को मिला। और सर की जो मॉक टेस्ट वगैरह कराते हैं रियल टाइम सिचुएशन पे, जो एग्ज़ाम हॉल में हमको काफ़ी हेल्प की जिसने, तो इस टाइप से सर ने बहुत अच्छी तरीके से हमारी तैयारी कराई थी। और हमारे जो टॉपिक्स थे ग्रामर से रिलेटेड और आपके लिटरेचर और राइटिंग पोर्शन, सब पे सर ने काफ़ी अच्छा काम किया। और सर का जो व्यक्तिगत जो सर का नेचर है, कूल है, कूल नेचर सर का पढ़ाने का तरीका, और आपको विश्वास में लेकर पढ़ाते हैं, और खुद आप भी उनसे इंस्पायर हुए बिना नहीं रह सकते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं सर। तो ये काफ़ी अच्छा रहा एग्ज़ाम के दिनों में, जो मेंटल प्रेशर रहता है उसको रिलीज कर पाए। और सर का साथ लास्ट एग्ज़ाम तक हमारे साथ रहा, एग्ज़ाम से पहले आवर तक, एग्ज़ाम स्टार्ट होने तक सर हमसे कांटेक्ट में लगातार बने रहे। और एग्ज़ाम की पहले किस तरीके से आपने आपको फिट रखना है, हेल्दी रखना है और स्ट्रेस फ्री रहना है, और एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम देने के समय भी और एग्ज़ाम हॉल में हमने ये महसूस किया है, सर का जो
कुल तरीका है पढ़ाने का, स्टाइल है, तो उससे काफ़ी मतलब यह है कि अंदर का जो डर था तो उसे काफ़ी हद तक हम लोग कंट्रोल कर पाए। और मैंने महसूस किया कि एक गाइड, एक मेंटोर का होना कितना ज़रूरी होता है जब आप तैयारी करते हैं, क्योंकि आप खुद से तैयारी करते हैं। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, मैं इसे फॉलो हमेशा करता आया हूँ, लेकिन टाइम कम था और इसके साथ साथ मुझ खुद से गलती खुद की गलतियों से सीखने के लिए इतना समय नहीं था, और कंपटीशन के इस दौर में आप खुद की गलतियों से सीखने के लिए फिर तो उम्र ही कम पड़ जाएगी। तो इस चक्कर में फिर मैंने सर से कांटेक्ट किया, तो सर एक एक प्रकार से सर के एक्सपीरियंस और सर के नॉलेज का हमको डायरेक्ट फायदा हुआ। और जैसे अब जैसे एग्ज़ाम हॉल से हम बाहर आए थे तो सम डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग और टाइम मैनेजमेंट के चलते मेरे 7-8 क्वेश्चन छूट गए थे, उनको रिव्यू नहीं कर पाया था मैं, और इस वजह से मैं तो लेट में फिर मैं रूम पे पहुंचा। फिर देर में मैंने सर से मैसेज किया कि ऐसा सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हो चुके हैं। सर ने बोला आपने बहुत पेपर बहुत अच्छा किया है, आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा सा राहत महसूस हुई। और इसके बाद हमारे कई साथी लोग जिनसे मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला है, और थोड़ा सा उनका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा तो काफ़ी डिसअपॉइंटेड भी रहे हम। काफ़ी अच्छे लोग जिनसे मैंने खुद पर्सनली बहुत कुछ सीखा है, सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो यही एग्ज़ाम में हॉल का भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपको साथ उस दिन वर्क करती हैं। आप किस तरीके से हैंडल करते हैं एग्ज़ाम को, आप वहाँ पे क्या किस तरीके से आप उस एग्ज़ाम प्रेशर को हैंडल करते हैं, ये सब चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं उस पर्टिकुलर डे में। और इस दौरान जो साथी किसी वजह से अपनी कुछ कमजोरी से कुछ मिस्टेक्स की वजह से और स्ट्रेस से अगर सॉरी एग्ज़ाम में रह गए हैं, हार्ड लग रहा, तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। आने वाले समय में वैकेंसीज आएंगी, आप अच्छे से तैयारी कीजिए पॉजिटिव इंटेंट के साथ और ईमानदारी के साथ तैयारी कीजिए, और सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। आपके लिए मैं कुछ, क्योंकि मैं कुछ लिखने का शौक भी रखता हूँ, तो मैं कुछ सुरक्षित पंक्तियाँ आपको मैं पेश करना चाहूँगा। कुछ को मिल जाएगी मंजिल, कुछ सपने साकार करेंगे, कुछ घायल शेर दोबारा नए जोश से वार करेंगे। पर हार गए हैं हमसे नहीं हो पाएगा, ये तो सिर्फ एक बहाना है। निराश नहीं होना है, मेहनत करते जाना है, फिर क्या खोना सब पाना है, क्या खोना सब पाना है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं साथियों को एक संदेश देना चाहूँगा, अगर कहीं पे कोई डिफिकल्टी आपको महसूस होती है तो आप डायरेक्टली सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, सर आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। एंड थैंक यू मेटामॉर्फोसिस टीम, एंड थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू।